सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद रुबल। सो गाइस, आज के दिन का स्टार्टिंग होता है ऐसे कॉफ़ी पी के। तो बहुत दिन बाद सुबह उठ के ऐसे देख सकते हो बिस्किट और कॉफ़ी पिए थे। उसके बाद फिर ना इधर मैं थोड़ा अपना स्किन केयर कर रही थी, तो इधर मैं इधर मुलतानी मिट्टी लगाई थी अपने स्किन पे। तो बहुत दिन बाद, तो आज जाना था मुझे कॉलेज और बहुत सारा काम भी था, तो इधर जब लगाई थी ना तो इधर फनी कुछ कर रही थी कैमरा देख के। और चलो फिर डन हो गया था, उसके बाद फिर जाके मैं नहा ली थी। तो ये तो थोड़ा नौटंकी में कर रही थी, चलो कोई नहीं। तो नहा के आके रेडी होके फिर इधर मैं ना लेट से निकल रही थी कॉलेज के लिए। तो इधर देख सकते हो मैंने कढ़ी चावल जो सब था, दाल वगैरह, आलू चोखा सारा खा लिया था, और मेरे साथ मेरा भाई भी खाने के लिए बैठ गया था। उसके बाद मैंने पकड़ा ऑटो, जिसका कोई सीन नहीं है क्योंकि बहुत हड़बड़ी में थी, और फाइनली कॉलेज आ गई थी। और सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, तो आज था हमारा टैबलॉइड का लास्ट डे, क्योंकि हम लोग तो बना रहे हैं टैबलॉइड ब्रॉडशीट। तो बहुत दिनों का मेहनत था और फाइनली ये हमारा डिपार्टमेंट का काम हम लोग ख़त्म कर लिए थे। और विदीप्त का मम्मी ने भेजी थी ना आज हम लोगों के लिए एक टेस्टी सा रेसिपी, तो वो मैंने टेस्ट किया, अच्छा था। फाइनली हम लोग का स्क्राइब डन हो गया है, तो चलो निकालने जाते हैं सारे दोस्त लोग मिलकर, तो बहुत मस्ती होने वाला है, तो ब्लॉग में तक बने रहना। यस गाइस, मस्ती तो होगा ही, उसके साथ बहुत ज़्यादा फनी भी होने वाला है इंसिडेंट। क्यों देखता है तो इधर विदीप्ता जो है ना, हम लोग रास्ता क्रॉस कर गए थे और उसको हो ही नहीं रहा था रोड क्रॉस करना, इतनी डरपोक के नाखून खा रही है, डर रही है। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा फनी इंसिडेंट था, हम लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो उसको फिर संचिता सोच रही थी कि लाने के लिए जाएगी, तो फिर चलो कोई नहीं। फिर हम लोग इधर गोल पार्क के मोड़ से पकड़ लिए थे ऑटो एंड फाइनली चल गए थे। तो गोपाल भी फाइनली आ गया था क्योंकि उधर उसका क्लास होता था, बट फिर भी वो घर चल गया क्योंकि लेट हो सकता था हम लोग। और हम सारे फ्रेंड्स ना, कॉलेज फ्रेंड्स मिलकर फर्स्ट टाइम कहीं पे जा रहे कॉलेज के बाहर, तो एक्साइटेड तो है ही। तो हम लोग को जाना था गोल पार्क से जादवपुर, क्योंकि उधर ही हम लोग निकालेंगे। तो फाइनली हम लोग सब आ गए थे, और देखे पीछे वाले बस में हमारे ही कॉलेज के और भी कुछ दोस्त हैं, सब मिलके बनाने आए, क्योंकि हम लोग का ये टीम वर्क है। एक टीम में 7 लोग करके थे, और फाइनली हम लोग आ गए थे जादवपुर 8 बी बस स्टैंड के सामने, जादवपुर स्टेशन के सामने भी बोल सकते हो। तो फाइनली उधर से चल के हम लोग 5 मिनट अराउंड चले थे, और इधर आ गए थे दत्त प्रिंटर्स। इधर आके देख रहे और भी कुछ दोस्त लोग जो हमारे पहले आए थे ना, वो लोग, क्योंकि 5 ग्रुप है, तो वो लोग भी सब इधर से निकल रहे थे, उनका हो गया, हम लोग खड़े थे, फिर हम लोग अंदर गए। आके इधर देखिए बहुत अच्छा है, इधर हम लोगों का जो स्क्राइब है फाइनली लास्ट टाइम के लिए चेकिंग चल रहा था कि क्या गलत है और क्या सही है। तो फिर बहुत अच्छे से वो लोग चेकिंग किए, कहीं पे थोड़ा स्पेलिंग का तो मिस्टेक नहीं था, पर थोड़ा लेटर का दिक्कत हो रहा था, कैपिटल स्मॉल हो गया था, तो उसको वो लोग ठीक करवाया। फाइनली 2 पेज हम लोगों का स्क्राइब का निकला, जो है इंग्लिश लैंग्वेज में और 2 था बंगाली लैंग्वेज में। तो हम लोग ने सारा कंप्लीट किया और बहुत अच्छे से बना था, रेसिपी था जैसे एक न्यूज़पेपर तैयार होता है ना, उसका ही एक शॉर्ट फॉर्म है बोल सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा, 7 लोगों का मेहनत इतना दिन के बाद फाइनली निकल गया। मैं स्टूडेंट है तो थोड़ा बहुत हम लोगों को मतलब ऑफर मिल गया था कि थोड़ा कम में मिल जाए, और फाइनली हम लोग बाहर निकल गए। कुछ खाने का सोच ही रहे थे इतना मेहनत के बाद फाइनली। तो हम लोग का 8 पेज निकला था, 7 अपने दोस्तों के लिए और 1 रहेगा मैम के पास जो हमारे जाएगा यूनिवर्सिटी में। फाइनली बारिश आने का मौका ऐसा मतलब हो गया, बारिश देखो ऑलरेडी हो भी रहा था, इसलिए हम लोग ना क्या किए जल्दी से बस पकड़ ली, जिनको ट्रेन पकड़ना था वो लोग चल गए, और इधर हम और अनिंदिता बस से आ गए थे, क्योंकि हम लोग एक जगह उतरेंगे और वो राजबिहारी में उतर गए और हम फिर से हाजरा उतरे। और ऑलरेडी बारिश हो रहा था, डर लग रहा था कि जब मैं उतरूँ तब बारिश होगा तो ये टैबलेट इतना दिन का मेहनत सारा खराब ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास संप्रीति वाला भी था। तो फाइनली जब मैं उतरी तो इधर उतना बारिश नहीं हुआ था, तो फाइनली मैं जल्दी जल्दी हड़बड़ी में घर के तरफ आ रही थी। तो ये था फाइनली आज का जर्नी, बहुत अच्छा लगा पर बहुत हड़बड़ी में हुआ, प्लान किए बड़ी बारिश आके सारा कैंसिल कर दिया। देख सकते हो इधर भी बारिश हुआ था, और फाइनली मैं आके देख रही हूँ तब 4 के आसपास बज रहा है, और 4:15 और मेरे पापा सो रहे थे, और फाइनली बहुत थकियाड़ी में आ गई हूँ, पर थकान ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि मुझे जाना था क्लास। तो गाइस आज ना मैं मतलब बहुत दिन बाद लाइक 3-4 मंथ्स के बाद आज मैं मतलब ऑफलाइन क्लास करने जा रही हूँ ढाकुरिया में, जहाँ पे मैं क्लास करने जाती हूँ। तो फिर चलिए जा रही हूँ बहुत दिन बाद, लाइक ओ माय गॉड ऐसा वाला लग रहा है कि इतना दिन बाद से ऑकवर्ड भी लग रहा है। तो फिर चलो कोई नहीं, जल्दी से निकलती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो चलो चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, बहुत दिन बाद दोस्तों से मिलूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। और संचिता भी आने वाली, स्पेशल मेरे रिक्वेस्ट से मैंने कहा कि तू अकेले अकेले जाती हो ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो तू भी अच्छा, तो दोनों साथ में चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए वो भी आ रही है। तो चलो चलते हैं और फिर ब्लॉग में बने रहो आप लोग। तो फर्स्ट टाइम अकेले अकेले जर्नी करके जा रही हूँ ठाकुरिया, तो फिर चलो बस मिल जाए भगवान जी की कृपा से और टाइम पर पहुँच जाऊँ, सबसे अच्छी वाली बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती है। तो चलो चलते हैं, बस तो नहीं मिल रहा है, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा चल के चलते हैं गोड़िया हाट तक, तो कोई बस शायद मिल जाए, तो आई होप सो, चलते हैं चलो।
बहुत सारा टेंशन काम कर रहा था, पर क्या ही कर सकते थे, फाइनली बस में मिल गया था। तो बस से उतर गया, बहुत भीड़ था, उतना हम क्लिपिंग्स नहीं लिए थे। उतर के दर में चल के जा रही थी तो थोड़ा ऑकवर्ड तो लग रहा था। इधर संचिता और अर्पिता दोनों आने वाले हैं तो बहुत अच्छी वाली बात थी। तो इधर में इंतजार कर रही थी, उन्होंने कुछ स्कूल का छुट्टी वगैरह हुआ था शायद इधर, तो ना वो लोग इधर खड़े थे और एग्जाम भी अभी चल रहा है सबका। तो इधर मुझे लग रहा था मेरा स्कूल लाइफ खत्म हो गया है। तो चलो कोई नहीं, इधर तंदूर पार्क रेस्टोरेंट के पास ही हमारा कॉलेज रहता है। तो इधर हम लोग फिर खड़े थे और फाइनली संचिता अर्पिता दोनों आ गए हैं। और इधर रेस्टोरेंट के अंदर ये ऊपर वाला रूम है, तो उधर हम लोग का टीचर था। इधर में इतना हंस रही थी इसी रीजन से क्योंकि हम लोग ना मतलब अगले साल क्लास करने आए थे और इस साल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ऑफलाइन क्लास करके। ऑनलाइन तो हर दिन ही करते हैं, मतलब हर हफ्ते करते हैं। इधर बेंच मतलब हम जब आए थे तो एकदम फर्स्ट में सर आ गए थे, तो सर आके दरवाज़ा खोले और फाइनली हम लोग आ गए थे। तो इधर हम लोग को कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था, क्लियर किया जा रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे फाइनली क्लास करके हम लोग निकल गए थे। हम लोग के साथ और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट है। चलो कोई नहीं, तो हम सब मिलके इधर खा लिए चाय, मतलब पी लिए चाय, पता है बंगाली लोग खाते भी है पीते हैं। दखना बन के इधर से फिर वो लोग चल गए घर, क्योंकि उन लोगों को पकड़ना था, आज बहुत ज़्यादा हैट्टिक वाला दिन गया और उन लोगों को ट्रेन पकड़ना था। और इधर मैं सोची कि चलो चल के जाते, क्योंकि रात के टाइम में इधर से बस मिलना हमारे घर के उधर का बहुत मुश्किल होता है। तो फिर ये था ढाकुरिया ब्रिज जिसमें मैं चढ़ गई थी। गाइस इस ब्रिज में ना मैं अकेली जा रही हूँ, सामने बस एक भैया कुछ जा रहे और सिर्फ कार वगैरह ही गुजर रहा है इधर से, आप लोग देख सकते हो। और जाते जाते मुझे एक इंडियन ऑयल का बहुत बड़ा जगह दिखा, फिर बहुत सारे बैनर्स दिख रहे इधर। तो चलो मैं जब अकेली जा रही हूँ ना, आप लोग भी मेरे साथ चलो। फिर मुझे दिख रहा है बहुत बहुत बड़ा बिल्डिंग्स, और चलो चलते 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 जाते हैं, मंजिल तक पहुँचने में बहुत लेट है। तो चलो मुझे एक बच्चों का ये दिख रहा है, और इस स्कूल लाइफ मैंने ख़त्म करके मैं आ गई हूँ, तो इसको मैं फ़िलहाल मिस कर रही हूँ। देख सकते हो एक भैया साइकिल लेके भी इधर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो रोड है ना मतलब हाईवे है मेनली, तो इधर तो रिस्की है ना साइकिल चलाना, तो इसीलिए। इधर बात पता है आप लोगों को, मुझे दिखने वाला है ना जो बालीगंज स्टेशन का जो एरिया है ना वो ट्रेन का, तो चलो वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को मैं। भैया देख सकते हो यही है, यही है प्लेटफॉर्म ट्रेन एरिया, जो थोड़ा गंदा हो रखा है अभी फिलहाल। तो चलो कोई नहीं, इधर से ही ट्रेन जाता है और हम लोग मामा घर भी जाते हैं। और ये ब्रिज का आधा रास्ता मैं आ गई हूँ, क्योंकि इधर से उतरा चढ़ाव स्टार्ट होता है। तो फिर चलो और आधा रास्ता तय करते हैं जल्दी, साथ चले या ना चले आपको चंदा मामा दिखेगा जो आपके साथ ही चल रहे होंगे। मैं न्यू, हर जगह पंपिंग स्टेशन बना है, तो ऐसा ही एक पंपिंग स्टेशन इधर भी है। और इधर कुछ एक सेंट्री है जो मुझे अभी दिख रहा है फाइनली, और बस उतरने ही वाले हैं। इधर भी कुछ बिल्डिंग्स बन रहा है तो या, और बस कुछ ही मिनट और मैं नीचे उतर जाऊंगी। भाई शैडो का वीडियो करना मुझे तो गाइस बहुत प्यारा लगता है। सो एकदम एंडिंग में पहुंच गई हूँ, देख सकते हो रोड उधर ख़त्म हो रहा है, मतलब ब्रिज सॉरी। और फिर चलो और थोड़ा सा चलेंगे। और गाइस अभी मुझे पता चल रहा है कि गोपाल लोग भी आए थे गोड़ियाहाट में शॉपिंग पे, तो अभी वो लोग भी इसीलिए बोले चल तो फिर साथ में घर चलते हैं। वो और उसका एक दोस्त कॉलेज छुट्टी के बाद आया था, तो फिर चलो उनसे भी मुलाकात हो जाएगा, तो अकेला नहीं जाना पड़ेगा। वो लोग आएगा तो उनके साथ ही चलेंगे। तो वो लोग हैं उधर गोड़ियाहाट मोड़ में, तो अभी भी मुझे जाने के लिए 15 मिनट लगने वाला है, तो चलते हैं। तो इधर ना मैं गोल पार्क के एरिया में आ गई हूँ, और क्या ही बोलूँ। चलो जो बिल्डिंग है ना इधर, हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीखने आते हैं, तो इधर कुछ मेमोरीज भी दिख रहा है। और ये अंजलि ज्वेलर्स है, तो चलो चलते हैं। ये अंजलि ज्वेलर्स के वो जो सामने वाला फुटपाथ है ना, उधर ना एक बहुत टेस्टी मोमो वाले भैया बैठते थे, इतना टेस्टी मोमो बनाते थे, पर अभी शायद वो कहीं और बैठते होंगे, तो इधर नहीं बैठते। बहुत बार हम लोगों ने खोज किया है पर नहीं है, तो चलो। और ये बस स्टैंड, और इस रूट से मैं चल के इसीलिए जा रही थी क्योंकि इधर से ना बस मिलना इस टाइम पे मतलब अराउंड अभी 8:30 के आसपास हो रहा है, तो बस मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ही मैं कॉलेज के सामने आ गई हूँ। सामने आए हैं तो इधर बहुत ज़्यादा बुक स्टॉल्स मिल रहा है, जहाँ से आप लोग बुक खरीद के ना मतलब बहुत ईजी वे में पढ़ सकते हो कुछ रुपया के बदले में। और अभी हम लोग जा रहे हैं गोड़ियाहाट मोड़ की तरफ। तो गाइस ये रहा मेरा कॉलेज, तो अभी तो कॉलेज नहीं जाना है।
रात हो रहा था इसीलिए गोपाल का फ्रेंड चल गया उधर से बस पकड़ के घर, और इधर हम और गोपाल चल रहे थे हमारे घर तरफ। यही होता है जब गोरियाट से जाओ और चीज़ें देखो, पैसा नहीं है ना। ई वाला जो फुटपाथ है ना, इसमें सिर्फ लड़कियों का चीज़ ज़्यादा मिलता है, और उस वाला जो फुटपाथ है ना अपोजिट में, तो उसमें लड़कों का कलेक्शन बहुत अच्छा है, लाइक पंजाबी ज़्यादा ही मिलता है, और तो कुछ है नहीं। देखो यार कितना प्यारा प्यारा साड़ी है। इधर ज़रा चीज़ें देखे यार, लेने का मन कर रहा था पर पॉकेट में पैसा है तो नहीं। तो इधर ना हम लोग लिट्टी चोखा स्टोर आ गए थे, तो इधर दो लिट्टी चोखा खाए थे, और उसके बाद ना हम लोग इधर ले थे बापूजी केक जो बहुत अच्छा है, तो वो हम खा लिए। और फाइनली इधर घर आ गए थे, तो मम्मी इधर कुछ कटिंग वगैरह कर रही थी और भाई देख रहा था टीवी। तो इधर हम भी आ गए, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इधर हम सो गए गाइस, और जगह नहीं था, छोटा छोटा घर होता है हमारे इधर, आप लोगों को पता ही है। तो फिर हम लोग ऐसे सो गए थे, ये लोग क्या फोटो देख रहे वीडियो देख रहे पता नहीं, और हम इधर सो गए थे, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। उसके बाद फिर गोपाल चल गया घर, और हम लोग भी कपड़ा चेंज करके रात को यही सब खा लेते पेट भर के। तो चलो आज के लिए इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।